गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज टिपिकल संडे है, संडे मॉर्निंग है, तो हम सुबह सुबह वॉक करने चले गए। अब तो स्नो नहीं है, टेम्परेचर पॉजिटिव में है, बट थोड़ी थोड़ी बर्फ रास्ते के कॉर्नर पे इकट्ठा हो गई है। सुबह सुबह बाहर निकलना अच्छा लगता है, तो हमने थोड़ा वॉक ले लिया। थोड़े दिनों के बाद स्नो जो इकट्ठा हो जाता है वो काला हो जाता है, उसको ब्लैक स्नो बोलते हैं, और वो बहुत डेंजरस होता है। उसमें हम स्लिप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अधिकतर लोग तो अपने ड्राइववे से और अपने घरों के सामने से तो स्नो निकाल ही देते हैं। अब हम घर जा रहे हैं, तो घर जाने के बाद मैंने पोहा और चाय बनाई, क्योंकि वीकडेज में तो हम जनरली केलॉग्स ही खाते ब्रेकफास्ट में, तो वीकेंड में हम पोहा, उपमा, और ठंडी में गरम गरम ब्रेकफास्ट खाना अच्छा लगता है, गरम गरम चाय के साथ, मसाला वाली चाय के साथ। और संडे था, थोड़ा लेजी था, तो हम बाहर रेस्टोरेंट में लंच करने गए थे। तो ये एक टिपिकल मिडल ईस्टर्न रेस्टोरेंट था, तो हम अलग अलग क्यूजिन ट्राई करते हैं, हमें अलग अलग क्यूजिन ट्राई करना अच्छा भी लगता है। इंडियन भी जाते हैं खाने के लिए, बट कभी कभी अलग अलग क्यूजिन ट्राई करते हैं। उसका एम्बियंस बहुत ही अच्छा था, उन्होंने पूरा मिडल ईस्ट का एम्बियंस बनाया था, और उसमें हमस बहुत ही अच्छा था। मैं हमस की रेसिपी का कैसे बनाते हैं, मैं उसका भी एक वीडियो शेयर करूंगी आप लोगों से। और एम्बियंस बहुत अच्छा था, खाना भी अच्छा था, और स्पेशली हमस और पीटा ब्रेड वो ज़्यादा फेमस है मेडिटेरियन क्यूजीन में। फिर उसी प्लाजा में एक इंडियन ग्रॉसरी स्टोर था, तो हमने उधर से थोड़ी इंडियन ग्रॉसरी कर ली। ये बाहर से रेस्टोरेंट का व्यू है। शाम में मैंने पूरा अपना इंडियन ऑथेंटिक खाना बनाया था, एकदम सिंपल खाना बनाया था, सलाद, रोटी, सब्जी, दाल, राइस। तो ये था हमारा संडे का रूटीन, एकदम सिंपल। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।